पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर की बीजेपी की पूर्व पार्षद निक्की सिंह की मेहनत आखिरकार रंग लाई। दरअसल पूर्व पार्षद निक्की सिंह ने इलाके में एक भी समुदाय भवन ना होने पर लोगों की समस्याओं को देखते हुए एक समुदाय भवन बनवाने के लिए पूर्वी दिल्ली सांसद महेश गिरी से आग्रह किया था, जिस पर ध्यान देते हुए सांसद महेश गिरी ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और समुदाय भवन की नींव रखी। आइए सुनते हैं क्या कहना है बीजेपी की पूर्व पार्षद निक्की सिंह का। वहीं इस मौके पर पूर्वी दिल्ली सांसद महेश गिरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि डीडीए के चलते उन्हें समुदाय भवन बनवाने के लिए थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब समस्या का समाधान होते ही पूर्वी दिल्ली की न्यू कोंडली और वसुंधरा में समुदाय भवन का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने वसुंधरा में समुदाय भवन का शिलान्यास किया। आइए सुनते हैं क्या कहना है बीजेपी सांसद महेश गिरी का। और जिसको जो कहना है कहे, उसी तरह से व्यवस्था के संघर्ष हैं, पर उन संघर्षों से लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। और ऐसा होते हुए आपने भी देखा होगा कि कई सांसद आए गए, आपकी मांग वैसी की वैसी ही रही थी पर कभी जमीन पर उतर नहीं पाई। आज नरेंद्र मोदी जी के सेना का एक सैनिक होने के नाते उस संघर्षों को विराम हुआ है और आपका ये बारात घर मंजूर हो चुका है। बहुत जल्द इसका काम भी शुरू हो जाएगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा के साथ शेख सलमान की रिपोर्ट।